जय माता दी भाई। आज हम लोग की जो यात्रा निकली माँ शारदा देवी धाम के लिए, जिनको मैहर देवी माता के नाम से भी जाना जाता है, जो मैहर शहर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर स्थित है। चलिए आज आप लोगों को लेके चलते हैं माता मैहर के दर्शन कराने। जहाँ तक कैमरा जाएगा वहाँ तक दर्शन कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा दर्शन करें। अगर कैमरा अलाउ नहीं होगा तो दर्शन बाहर से ही कराएंगे। ये देखिए, ये प्रमुख द्वार है और यहाँ दो ऑप्शन है आपको जाने के लिए। पहला तो आप पैदल जा सकते हैं और सीढ़ियों से, और दूसरा ऑप्शन है रोपवे से। रोपवे का किराया लगभग 110 रुपये प्लस GST लगभग 130 रुपये लगभग पड़ता है एक आदमी का आने और जाने का। ये देखिए, आ गए हम लोग इस समय रोपवे के काउंटर पे, जहाँ 110 रुपये आपका बेसिक किराया और प्लस 20 रुपये GST। लेकिन पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं से ज़्यादा संख्या रोपवे की लाइन में दिख रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए लोग रोपवे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है। जितना टाइम मुझे लगता है पैदल जाने में लगेगा, उतना टाइम रोपवे में भी लग जाएगा। चलिए, फिर भी सबकी श्रद्धा अपने सामर्थ्य के अनुसार। ये देखिए रोपवे, एक बार में 4 पैसेंजर को बैठाते हैं और माता के मंदिर तक लेके जाते हैं। चलिए लेके चलते हैं माता जी के मंदिर पे। आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत लगता है नज़ारा देख के। देखिए, आ गए हम लोग मंदिर प्रांगण में आ गए हैं, और अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए बाहर से दर्शन कराएंगे आप लोगों को। ये सामने आपको दिख रहा होगा माता जी का मंदिर, और जैसा बताया कि रेलवे स्टेशन से आपको मंदिर आने के लिए 10 रुपये ऑटो में खर्चा करना होगा शेयरिंग बेसिस पे। 10 रुपये में आप मंदिर आ जाइए। मंदिर आने के बाद आप अगर पैदल दर्शन करना चाहते हैं पैदल भी जा सकते हैं। रुपये 110 रुपये प्लस GST 130 रुपये अप्रॉक्स खर्चा करके आप थोड़ा सा जल्दी भी दर्शन कर सकते हैं, अगर आपके पास समय का अभाव है तो। और ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं हम। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी माता मैहर देवी मंदिर से। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।